चलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको एक जबरदस्त कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी है एक राज्य में रहने वाले एक छोटे से गांव के एक दर्जी की, और वो दर्जी कपड़े सिलकर इतने ही पैसे कमा पाता है कि जितने में उसका घर चल सके। एक दिन क्या होता है कि दर्जी बाजार जाता है, और बाजार से आते आते वो दही खरीद कर लाता है। और जब दही खरीद कर घर में पहुँचता है तो ये सोचता है कि दही खा लिया जाए, लेकिन उसको एक काम याद आ जाता है और वो काम करने के लिए निकल जाता है। फिर थोड़ी देर बाद जब वापस आता है काम पूरा करके, तो क्या देखता है कि दही के ऊपर बहुत सारी मक्खियाँ बैठी हुई है। जब ये देखता है तो इसको बहुत गुस्सा आ जाता है, और ये क्या करता है, कपड़ा लेता है और मक्खियों को भगाने लगता है। और जब मक्खियों को भगाता है तो उसमें से सात मक्खियाँ जमीन पर मर कर गिर जाती है। और जब ये देखता है तो बड़ा खुश हो जाता है कि मैंने एक बार में सात को मार गिराया, और ये पूरे गाँव को बता देता है कि मैं एक बार में सात को मार सकता हूँ। और अब गाँव वाले भी उसकी बात मानने लगते हैं। अब उस राज्य में एक राजा होता है, और राजा को एक राक्षस से बड़ी परेशानी होती है। तो वो जो राक्षस है वो क्या करता है कि जो भी जंगल में आने जाने वाले लोग होते हैं उनको मारता है और मारकर खा जाता है। अब जो राजा था उस राज्य का, वो ऐसे ही बहादुर को ढूंढ रहा था जो कि उस राक्षस को उस जंगल से भगा सके, उस राज्य से निकाल सके। तभी उस राजा का एक मंत्री उठता है और कहता है कि महाराज, हमारे राज्य में एक गाँव है और उस गाँव में एक दर्जी रहता है। मैंने सुना है कि वो एक बार में सात को मार सकता है, कहो तो बुला लाओ। राजा कहता है जल्दी जाइए और उसको बुला लाइए। अब वो मंत्री जाता है और दर्जी से कहता है कि महाराज ने तुम्हें बुलाया है। अब ये बड़ा खुश हो जाता है कि महाराज ने बुलाया है, कुछ तो बड़ी बात होगी, कुछ इनाम मिलेगा। अब ये तैयार होकर हम राजा के पास पहुंचता है, तो राजा कहता है कि हमने तुम्हारे बहादुरी के किस्से बड़े सुने हैं, तो क्या आप हमारे लिए काम करेंगे? अब ये थोड़ा कम दर्जे का तो ये कहने लगता है, ठीक है बताइए महाराज क्या काम है। तो राजा कहता है कि हमारे राज्य में एक जंगल है और वहाँ पर एक राक्षस है, और वो राक्षस हमारे जो लोग हैं उनको परेशान कर रहा है, मतलब जो अगर उसको भूख लगती है तो मारकर खा जाता है। तो आपको क्या करना है कि उसको यहाँ से भगाना है। तो ये थोड़ा घबरा जाता है लेकिन थोड़ा धीरज रखता है। तो फिर जो राजा होता है वो कहता है, अगर आप उसको भगा देते हो तो मैं अपना आधा राज्य आपको दे दूंगा। अब ये थोड़ा खुश हो जाता है, जोश में आ जाता है। और फिर राजा कहता है, अगर उसको भगाने के लिए अगर हमारे सैनिकों की ज़रूरत है तो लेके जा सकते हो। लेकिन अब ये ज़्यादा ही थोड़ा बहादुर था, तो ये क्या कहता है, नहीं मैं अकेले ही जाऊँगा। फिर दूसरे दिन ये तैयारी में होता है जाने की जंगल की तरफ, तो साथ में क्या करता है, वो एक पनीर का टुकड़ा और साथ में एक चिड़िया ले लेता है और उनको थैली में डाल देता है। अब वो जब जंगल में पहुँचता है तो क्या देखता है, एक बड़े पेड़ के नीचे राक्षस आराम कर रहा है, और वहाँ पर दो पत्थर रखे हुए हैं। अब ये जाता है और राक्षस से कहता है, अरे राक्षस मैं तुझे भगाने के लिए आया हूँ। तो राक्षस उठता है और कहता है कि अपनी हालत, अपना वजन, अपनी ताकत देखा है जो मुझे भगाएगा तू? तो जो दर्जी होता है थोड़ा होशियार होता है, तो कहता है मुझे कम मत समझ, अगर तेरे को यकीन नहीं आता हो तो मुकाबला करके देख ले। तो राक्षस क्या करता है, वहाँ से एक पत्थर उठाता है गुस्से में और जोर से हवा में फेंकता है, तो वो बहुत दूर तक जाके गिरता है। अब जो राक्षस होता है वो कहता है कि तू ये करके बता। अब जो दर्जी होता है वो क्या करता है, चिड़िया निकालता है, राक्षस को ना बताते हुए आकाश में फेंक देता है, मतलब ऊपर फेंकता है। तो चिड़िया उड़ते उड़ते बहुत दूर तक चली जाती है और कहीं पर नहीं बैठती, क्योंकि वो आज़ाद हो चुकी थी। तो अब ये थोड़ा डर जाता है कि इसने इतने दूर तक फेंक दिया। फिर ये एक और पत्थर उठाता है और इतने ज़ोर से दबाता है कि उसमें से पानी निकलने लगता है। तो जो राक्षस होता है वो कहता है, क्या तू ये कर सकता है? तो ये जो दर्जी होता है वो क्या करता है, या थैली में से पनीर निकालता है और उसको एक ही हाथ से ऐसा दबाता है तो उसमें से पानी निकलने लगता है। अब ये और डर जाता है और घुटनों के बल गिरकर माफ़ी मांगता है और कहता है कि मैं ये जंगल को छोड़ने के लिए तैयार हूँ। अब वो जंगल को छोड़ के चला जाता है। अब ये वापस आता है राजा के पास और कहता है कि मैंने उसको भगा दिया है। अब राजा खुश हो जाता है, और जैसा कि उसने कहा था कि मैं आधा राज्य उसको देने वाला हूँ, तो उसको आधा राज्य दे देता है, उसका सत्कार, उसका जो करना था राज्याभिषेक सारा करता है और उसको आधा राज्य दे देता है। तो इस कहानी से आपको क्या समझ में आया कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।